तो हेलो फ्रेंड्स, आज लेके आई हूँ मैं बच्चे रोटियों से ऐसा टेस्टी सा स्नैक, तो जिसके आगे समोसा कचौड़ी पकौड़े सब फेल हो जाएंगे। तो आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई करना, ये नाश्ता अब खाने में बहुत ही टेस्टी है, क्रिस्पी है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले मेरे फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए, चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले ले लेंगे हमने बची रोटियाँ, तो दो रोटी ले ली है। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हमने एक रोटी ले लेनी है और कैंची से हमें इसको तीन पार्ट में हमने इसे काट लेना है। तो सबसे पहले पहली रोटी ले लेंगे, इस तरीके से हमने चाकू या कैंची की सहायता से इसको तीन पार्ट में काट लेना है। तो इस तरीके से काट लेने के बाद हम क्या करेंगे, तीनों को इकट्ठा कर देना है और इकट्ठा कर लेने के बाद हमने इसके पतले पतले जो स्ट्रिप है वो काट लेनी है। तो सारी रोटी को इसी तरीके से हम काट लेंगे। तो काट लेने के बाद हमारे रोटी के हैं वो लच्छे तैयार हो चुके हैं। तो इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे एक बर्तन में। सारी रोटियों को बर्तन में डाल लेने के बाद अब इसमें डालेंगे, हमने लिया है एक उबला कच्चा आलू जिसको ग्रेट करके ले लिया है और धो के अच्छे तरीके से पानी इसका निचोड़ कर इसमें डाल लेंगे। तो अगर आपके पास छोटे साइज़ का आलू हो तो आप दो आलू यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद एक प्याज लिया है जिसको बारीक कट के काट करके डाल लेंगे। उसके बाद डालेंगे एक हरी मिर्च और इसमें खूब सारा डालेंगे धनिया। उसके बाद डालेंगे आधा छोटी चम्मच नमक, आधा छोटी चम्मच लाल मिर्च और उसके बाद डालेंगे दो बड़े चम्मच, मैंने यहाँ पर तिल लिए हैं, इससे जो नाश्ता है वो बिल्कुल क्रंची और क्रिस्पी बनता है। आधा चम्मच यहाँ पर डालेंगे चाट मसाला और दो चम्मच मैंने यहाँ पर लिया है कॉर्नफ्लावर। आप अरारोट या इसकी जगह पर आप चावल का आटा भी ले सकते हैं। इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो एक बड़े बर्तन में डाल लेंगे जिससे कि हमें मिक्स करने में आसानी हो। हाथों से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसमें हमें पानी डालने की आवश्यकता नहीं होगी। तो इसमें बाइंडिंग अच्छे तरीके से नहीं है ये, तो आधा चम्मच कॉर्नफ्लावर मैं यहाँ पर और यूज़ कर रही हूँ। इस तरीके से हाथों से इसको अच्छी तरीके से मैश कर लेंगे। मैश कर लेने के बाद हल्के हल्के हाथों से हम इसे प्रेस करते हुए इस तरीके का एक बॉल्स है वो तैयार कर लेंगे। इसे ज़्यादा टाइट नहीं करना है, हल्के हाथों से ही करना है। इस तरीके से तैयार कर लेने के बाद हमने कढ़ाई में तेल लिया है, तो दो बड़े चम्मच मैंने यहाँ पर ऑयल ले लिया है। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो सारे नाश्ते को इसी तरीके से बनाकर हम इसमें डाल लेंगे और एक से दो मिनट बाद जब ये हल्का सा क्रिस्पी होना शुरू कर देगा तो हम इसको पलट लेंगे। तो दोनों तरफ से हमें क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन होने तक तल लेना है। तो लीजिए, हमारा तैयार हो गए बची रोटियों के पकौड़े। तो इसको निकाल लेंगे प्लेट में। तो एक बार इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करना। ये रेसिपी बच्चों से लेके बड़े तक सबको पसंद आएगी। एक तो हमारी रोटी है वो उसका भी इस्तेमाल हो जाएगा और हमें खाने में कुछ नया सा टेस्ट करने को मिलेगा। और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। ये रेसिपी बच्चों से लेकर बड़े तक सबको पसंद आएगी। तो मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।